my bros before. एक ऐसी चीज जो कि बहुत इजी करने में आप इजी कर सकते हो, जितना इजी है उतना मैं बता रहा हूँ और आप कर भी सकते हो, सो लेट्स गो। रहा इंस्टाग्राम फॉलो कर देना। नंबर वन, आपको आनी चाहिए बैक फ्लिप, जो कि बहुत इजी चीज है। यस, अगर आपको बैक फ्लिप आ गई है तो आप इजी कर पाओगे, क्योंकि गेनर बैक फ्लिप में बैक फ्लिप होनी चाहिए, तो बेसिक सी बात है। नंबर टू, आपको करना पड़ेगा एक लोकेशन पर बैक फ्लिप, जो कि बहुत रेयर चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो आप यहाँ खड़े हो, तो ट्राई करना कि आपको यहीं पर आना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपकी बॉडी को सीधा ऊपर लेके जाना है, घुमा के वही लैंड लाइक दैट। जैसे जैसे आप एक ही जगह पर आने लग जाओगे तो आपकी बैक फ्लिप वो चीज समझ में आने लग जाएगी कि आपको एक ही रोटेशन पर आना है। ये आपका स्केल है, आपको ट्राई करना है कि आपकी बैक फ्लिप जो पीछे आती थी आपको उसके ऊपर आना पड़ेगा। प्रैक्टिस अगर उसकी हो गई तो आपको यहाँ से धीरे धीरे आगे निकलना पड़ेगा। आसान है बट थोड़ा सा। नंबर थ्री, यहाँ से स्टार्ट होती है बहुत थोड़ी सी हार्ड चीज, क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं ट्राई कर रहा हूँ एक लोकेशन पर जो कि ढलान है, तो आपको यहाँ पर हैंड सामने रखने खड़ा होना है, हैंड सामने डाउन। आप जो नॉर्मल बेसिक बैक फ्लिप मारते हैं ये पीछे, बट ये नहीं करना है, आपको हैंड सामने डाउन, आपकी बॉडी आगे जाएगी थोड़ी सी, एंड चेस्ट आगे ऊपर, हैंड सामने डाउन, बॉडी आगे एंड बैक फ्लिप, समझना। बट ज्यादा भी मत कर देना, आपका रोटेशन रुक सकता हवा में। हैंड सामने डाउन एंड आगे एंड फ्लिप, हल्का सा ट्राई करिए, ट्राई करना कि आपको वही की वही आना है या फिर हल्का सा आगे जाना है, पीछे बिल्कुल नहीं आना है, थोड़ा सा आगे। आगे जाने के लिए अब मैं आपको एक रिस्क देना चाहता हूँ, आप ट्राई करें, एक थोड़ा रिस्क, रिस्क है तो इश्क है, सिंपल सी बात है। एंड नंबर नेक्स्ट, मतलब नंबर थ्री का नेक्स्ट पॉइंट, आपको करना पड़ेगा एक रिस्क। आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो कि आप अपने मित्र को रख दो, आप अपना फेवरेट फोन रख दो, या पत्थर रख दो, कुछ भी। मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल में बता रहा हूँ, इसलिए एकदम डायरेक्ट वाली चीज, ये दोस्तों वाली नहीं। तो आप कुछ भी रख सकते हो जिससे आपको डर लगे, क्योंकि हम भी इस तरीके से सीखे थे, हमने हमारे फोन तक रखे थे पीछे, हमारे पीछे हम कुछ भी रख देते कि करना है सीखना है तो पीछे जाओगे तो लगेगी, नहीं तो सीखोगे। मैं थोड़ा सा साइड में करके बता रहा हूँ आपको, ताकि अगर आप गिर जाओ तो चलेगा। आपको ट्राई करना बैक फ्लिप बट इसी लोकेशन पर या फिर यहाँ से आगे। मैं गिरा तो लग जाएगी इस तरीके से। सॉफ्ट चीज रखिए गाइस, पत्थर मत रखना, मेरे पास पत्थर है यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो मैं चाहूँ तो मेरा बैग रख सकता हूँ। बट आपको यहाँ रखना है, आपको ट्राई करना है कि सीखना है तो बैक फ्लिप करनी पड़ेगी, ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, नॉट फ्रेंडली चीज, ठीक है। ये मैं खड़ा हूँ एंड बॉडी को आगे फेंकनी पड़ेगी मुझे, डर लगा ऐसा, मतलब वो फील आनी चाहिए कि आपको आगे जाना है। आपके माइंड में साइकोलॉजी होती है कि अगर मैं पीछे गिरा तो पैर में चोट लगेगी, या फिर वहीं पे खड़ा हुआ तो जिंदगी बच जाएगी, या फिर आगे गिर गया तो सीख जाऊंगा। नंबर फोर, या तो आप एक ऐसी लोकेशन पर रुक सकते हो जो कि थोड़ी स्लोप वाली, मैं को मारने से बैक फ्लिप, बट मैं ऑटोमेटिक आगे जा रहा हूं इस तरीके से। एंड नंबर फाइव, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको ग्राउंड लेवल पर जिसे सीखना है तो ये जरूरी होता है कि आपकी बॉडी यहां पर रखी है, आपको हैंड सामने रखना है, डाउन रखना है, यहाँ पे फ्लिप होते समय आपके चेस्ट को आगे लेकर जाना है, एंड ट्राई करें कि जितना सके फास्ट रोटेट करें, कि गेनर में आप रोटेट कम कर पाओगे। जो बैक फ्लिप लर्निंग में होते हैं तो उनकी रोटेशन जिस तरीके से स्लो होती है, सेम वही चीज़ गेनर में सीखने में होती है। जब आप जितना आगे जाओगे आपकी रोटेशन उतनी कम होगी। तो ट्राई करिए कि हैंड सामने डाउन, बॉडी और चेस्ट और हैंड को आगे फेंकिए, देन फास्ट रोटेट एंड डाउन। रोटेशन जितना फास्ट होगा आप उतना इजी खड़े हो जाओगे। गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया, तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और हाँ इस वीडियो का गोल रखते हैं हम 1000 लाइक का। अगर आते हैं जो कि आएंगे, मुझे पता नहीं आएंगे तो एक सरप्राइज आपके लिए इंस्टाग्राम के ऊपर, बर्थडे 31 को आ रहा है।